लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम सोली को बताता है कि वो एक मर्डर सस्पेक्ट है, लेकिन उसने किसी को नहीं मारा है। लेकिन तभी सोली को फील होता है कि किम उसे झूठ बोल रहा है और वो किम से दो कदम पीछे हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो सोली को कहता है कि मुझे किम से कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो किम को अपने साथ ले जाता है। फिर डॉक्टर किम को कहता है कि सहयोग ने सोली को सब कुछ बता दिया और सोली तुमसे यही पूछ रही थी ना कि क्या तुमने किसी को मारा है, और तुम बेवकूफ़ों की तरह उसे सब कुछ बताने भी वाले थे। तो किम कहता है कि हम सोली के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वो ऐसी लड़की नहीं है। तो डॉक्टर कहता है लेकिन तुम्हें उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर कहता है कि क्या तुम भूल गए कि एक्चुअल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वहाँ पर तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स थे उस इंसिडेंस के बाद सबने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया। लेकिन किम कहता है कि सोली मुझे कभी हर्ट नहीं करेगी। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें अभी ये अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए, लेकिन किम मना करता है और वो कहता है कि अगर सहयोग सोली को कुछ नहीं भी बताती फिर भी मैं सोली को सब कुछ खुद से ही बता देता। ये सुनकर डॉक्टर किम को कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, कहीं तुम उस लड़की को पसंद तो नहीं करते हो। तो किम कहता है कि हाँ मैं सोली को पसंद करता हूँ। वहीं हम सोली को देखते हैं जो कि उसी मिसिंग लड़की के केस के बारे में देख रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की किम की गर्लफ्रेंड थी और अभी तक उस लड़की की डेड बॉडी नहीं मिली है। और तभी किम सोली को कॉल करता है, लेकिन सोली उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। फिर अगले दिन हम सोली को देखते हैं जो कि कैफे में किम की बातों को लेकर ही काफ़ी परेशान होती है। तभी वहाँ पर जीवन आता है और वो सोली को कहता है कि तुम्हारी और वीआईपी क्लाइंट सहयोग के बीच में क्या बात हुई है। तो सोली कहती है कि पहली बात वो कोई वीआईपी क्लाइंट नहीं थी और दूसरी बात वो एक बेवकूफ लड़की है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम डॉक्टर और सहयोग को देखते हैं। डॉक्टर सहयोग के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि उसने सोली को ये सब कुछ क्यों बताया, और वो उसे कहता है कि हमने तो तुम्हें किम के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो तुम्हें कब पता चला कि किम एक मर्डर सस्पेक्ट है। सहयोग कहती है कि जब मैं किम से मिली थी वन वीक बाद मुझे उसके बारे में पता चल गया था। तो डॉक्टर कहता है लेकिन तुमने इसके बारे में हमें तो नहीं बताया। तो सहयोग कहती है कि अगर मैं किम को बता देती कि मुझे सब कुछ पता है तो वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो मैंने ये बात सिर्फ अपने तक रखी हुई थी। तो डॉक्टर कहता है कि अभी तो तुमने सोली को बताकर गलती कर दी है, लेकिन अब तुम मुझे सोली के आसपास भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। फिर हम सोली को देखते हैं। कैसेंड्रा देखती है कि सोली काफ़ी परेशान है, तो उसे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो सोली कहती है कि नहीं सब कुछ सही है। तभी सोली के पास किम का मैसेज आता है और वो कहता है कि कल मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम उसे मिल सकती हो। तो सोली कहती है कि ठीक है। वहीं हम किम को देखते हैं जो कि बहुत परेशान होता है और अपने उस इंसिडेंस के बारे में सोचने लगता है, जो कि हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि किम की गर्लफ्रेंड योमजे ग्लास पीस से अपने हाथ को काट लेती है। फिर किम अपनी शर्ट उतारकर उसके हाथ पर बांधता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। तो किम कहता है कि अगर तुम मरना चाहती हो तो फिर मर जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ली कैंग को देखते हैं, और पुलिस स्टेशन में एक लेडी आई हुई होती है जिसके साथ मनी को लेकर कुछ स्कैम हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी आती है और अपनी मॉम को डांटने लगती है कि आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और उन्हें देखकर ली कैंग को एक पास्ट सीन याद आ जाता है, जो कि हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ली कैंग अपने पुलिस स्टेशन में होता है और वहाँ पर सोली की मॉम और एक दूसरी लेडी एक दूसरे के बाल खींच कर फाइट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर सोली आती है और वो दूसरी लेडी से अपनी मॉम की गलती के लिए उनसे सॉरी मांगती है। फिर वो ली कैंग को कहती है कि क्या आप एक दिन के लिए मेरी मॉम को जेल में बंद कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसने जो गलती की है उसे इसकी सज़ा मिले। ये सुनकर सोली की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो सोली को पीटने लगती है। ली कैंग सोली को बचाने की कोशिश करता है, और यहीं पर ली कैंग ने सोली को पहली बार देखा था और उसे देखते ही ली कैंग को उससे प्यार हो गया था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ली कैंग के पास ऑफिसर आता है और वो ली कैंग को कहता है कि क्या तुम टैरेट कैफे में जाकर कॉफ़ी पीना चाहते हो, लेकिन ली कैंग मना कर देता है। फिर हम सोली को देखते हैं और किम उसे मिलने के लिए आता है। सोली किम को कॉफ़ी देती है। किम उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। तो सोली कहती है कि तुम मुझे अभी सब कुछ बता सकते हो। तो किम कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और तभी जी हुन सोली को एक फ़ोटो भेजता है जो कि किम सियोंगजू की होती है, और कहता है कि किम दोहाई मर्डर सस्पेक्ट है। और ये देखकर सोली चौंक जाती है और घबराहट में उससे किम के हाथों पर गरम गरम कॉफ़ी गिर जाती है, जिससे कि किम का हाथ जल जाता है। फिर वो किम के हाथों पर आइस क्यूब लगाती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। और वो कहता है कि क्या तुम ऐसा बिहेव इसलिए कर रही हो क्योंकि जब मैंने तुम्हें कल कहा था कि मैंने उसे नहीं मारा है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे झूठ कहा है। तो सोली कहती है कि हाँ, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि मुझसे सुनने में कुछ गलती हुई हो, तो क्या तुम मुझे फिर से कह सकते हो कि तुमने उसे नहीं मारा है। तो किम कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है, और सोली को फील होता है कि किम ने फिर से उसे झूठ कहा है, और उसके हाथों से आइस क्यूब नीचे गिर जाती है। और वो किम को कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो किम उसे कहता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन सोली कहती है कि जो मुझे सुनना था वो मैं सुन चुकी हूँ और मुझे कुछ और नहीं सुनना है।
तो किम कहता है कि इसका मतलब तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। तो सोली कहती है कि हाँ। फिर किम वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। और वो अपने अपार्टमेंट में जाकर देखता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन सोली अभी तक घर नहीं आई है। वहीं हम सोली को देखते हैं जो कि एक बार में बैठ कर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। और फिर वो किम को कॉल करती है, तो किम उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो सोली कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। तो सोली उसे कहती है कि तुमने जो किया है क्या उसके पीछे कोई रीज़न था। तो किम कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन सोली मना कर देती है। और वो कहती है कि मुझे फ़ोन पर ही बताओ। तो किम कहता है कि क्या अब फेस टू फेस मुझसे बात करने में तुम्हें डर लगता है। और फिर सोली फ़ोन कट कर देती है। फिर सोली वापस घर आने लगती है और वो बहुत नशे में होती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि एक कपल फाइट कर रहा होता है, और सोली उनके बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि तुम अपनी पास्ट की बातों को भूल जाओ, फिर से न्यू शुरुआत करो। लेकिन वो लड़का सोली के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम चुप रहो। लेकिन तभी वहाँ पर किम दोहा आ जाता है, जिसे देख कर वो कपल वहाँ से चला जाता है। फिर किम दोहा सोली को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन सोली उसका हाथ नहीं पकड़ती। फिर किम सोली को वापस अपार्टमेंट लेकर आता है। तो सोली किम को कहती है कि क्या कल तुम फ्री हो, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ। तो किम कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती हो। तो सोली कहती है कि हाँ, इसमें कौन सा बड़ी बात है, पहले भी तो हमने साथ में बहुत बार खाना खाया है। तो किम कहता है पहले की बात अलग थी, लेकिन अब कुछ अलग बात है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन सोली कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं जानना है। तो किम कहता है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं तुमसे जो कुछ भी कहूँगा वो सब झूठ होगा। तो सोली कहती है कि तुम्हारे एक झूठ की वजह से मेरा सर फटा जा रहा है और मैं उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अगर मैं सुनूंगी कि तुम फिर से झूठ कह रहे हो तो मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये बोलकर सोली अपने अपार्टमेंट चली जाती है, लेकिन किम इस अपार्टमेंट के बजाय अपने पुराने वाले अपार्टमेंट में चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम किम की मॉम को देखते हैं, जो कि सिंगल मॉम कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रही होती है। और स्पीच खत्म होने के बाद दूसरी असेंबली वूमेन किम की मॉम को कहती है कि तुम गिव अप मत करना, अभी भी टाइम है, टीम लीडर तुम्हें नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे बेटे की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर किम की मॉम डॉक्चन से मिलने के लिए जाती है और वो डॉक्चन को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि किम कुछ टाइम के लिए जर्मनी चला जाए। तो डॉक्चन कहता है कि क्या आपके इलेक्शन आने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ। किम की मॉम कहती है कि मैंने किम से इस बारे में बात की थी, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया, लेकिन अगर तुम उसे समझाओगे तो वो तुम्हारी बात मान सकता है। तो डॉक्चन कहता है कि ठीक है, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ से चला जाए। और वहीं हम देखते हैं कि जोई होम ने उन दोनों के ऊपर नज़र रखी हुई होती है। फिर हम किम को देखते हैं जो कि बहुत सैड होता है। तभी उसके पास सयोन का कॉल आता है और वो सयोन से मिलने के लिए जाता है। सयोन किम को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस लड़के को ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, मेरी वजह से तुम उस लड़की को लेकर परेशान हो और मैं तुम्हें इतनी परेशानी में नहीं देख सकती। तो किम कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोहन कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं उस लड़की से बात कर सकती हूँ, किसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो किम कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम सोली से मिलने के लिए दोबारा कभी भी मत जाना। और उसे बताता है वैसे भी मैंने उस अपार्टमेंट को छोड़ दिया। तो सोहन कहती है कि अब तुम कहाँ पर रह रहे हो। तो किम कहता है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो सोहन कहती है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहे तुमने कुछ भी किया। तो किम कहता है कि इसका मतलब तुम्हें सच में लगता है कि मैंने किसी का मर्डर किया है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाने लगती है। तो कैसेंड्रा से कहती है कि मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, आज के लिए तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए। लेकिन सोली कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सोली अपने क्लाइंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और तभी वो वहाँ पर लीकैम को देखती है, जो कि कैंसर डिपार्टमेंट सेक्शन में जा रहा होता है। फिर वहाँ पर सोली को रिसेप्शन गर्ल से पता चलता है कि लीकैम को कैंसर है। तो सोली उसे पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि यह कब से है। लेकिन वो कहती है कि हम अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ऐसे लीक नहीं कर सकते। वहीं हम लीकैम को देखते हैं जो कि डॉक्टर से बात कर रहा होता है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि अब तुम्हारी कंडीशन पहले से बिल्कुल सही है और अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ये सुनकर लीकैम को बहुत राहत मिलती है। फिर सोली अपने क्लाइंट से मिलती है जो कि एक पेशेंट होता है, जो कि जानना चाहता है कि कहीं उसके फैमिली वाले पैसों के लिए उसे धोखा तो नहीं दे रहे हैं। फिर वो अपनी फैमिली और डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल होने वाला है। तभी वो कह देती है कि हाँ, आपका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन ये सुनते ही सोली को पता चल जाता है कि वो डॉक्टर और उसकी फैमिली झूठ बोल रहे हैं, ये जानबूझकर इनका ऑपरेशन करवा रहे हैं ताकि इनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प सकें।
फिर सोली इसके बारे में अपने क्लाइंट को बताती है कि आपकी फैमिली आपसे प्यार नहीं करती, वो आपको ऑपरेशन सिर्फ इसलिए करवा रही है ताकि आपके जाने के बाद वो आपकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प सके। फिर सोली हॉस्पिटल से बाहर आती है, तभी उसे ली कैंग मिलता है। तो वो ली कैंग को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ली कैंग कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को देखने के लिए आया था। तो ली कैंग कहता है और तुम क्या कर रही हो। तो सोली कहती है कि मैं भी किसी से मिलने के लिए आई थी। तो ली कैंग उसे कहता है कि क्या कल तुम फ्री हो, मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। तो सोली कहती है कि ठीक है, अब हम कल मिलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बेक, बोरो और चोरों को देखते हैं जो कि एक शॉप पर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। और बेक जब पे करता है तो उसके वॉलेट से एक फ़ोटो गिर जाती है जो कि उसकी और चोरों की होती है, जिसे देखकर दुकानदार और बोरो चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या ये चोरों का है। तो चोरों कहती है कि वो थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी लग रही होगी, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, वो इसकी कज़न है। फिर हम बेक और चोरों को देखते हैं। चोरों बेक को कहती है कि तुमने अभी तक हमारी फ़ोटो अपने पास क्यों रखी हुई है, अगर किसी को पता चलेगा कि हमने एक दूसरे को डेट किया था तो वो क्या ही सोचेंगे। तो बेक कहते हैं कि अगर किसी को पता चल भी जाता है तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो चोरों कहती है कि अगर यहाँ पर किसी को पता चलेगा तो हम दोनों में से किसी को अपनी दुकान छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तुम हर एक लड़की को पटाने में लगे हुए हो और ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। तो बेक कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था मैं किसी लड़की से बात भी नहीं करता था, और यह सब तो मैंने ब्रेकअप के बाद स्टार्ट किया है। तो चोरों कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे जैसे लड़के से डेट किया तो वो मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। और इस बात को लेकर उन दोनों की बहस हो जाती है। और जाने से पहले बेक उस फोटो को उठा लेता है। तो चोरों कहती है कि तुम इस फोटो को फाड़ दो। तो बेक कहता है कि क्यों, इस फोटो में मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ, तो मैं इसे अपने पास ही रखूँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि डॉक्चन से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि डॉक्चन ने उसे कॉन्फिडेंशियल लेटर पर साइन करवाने के लिए बुलाया होता है। तो सोली उसे कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं किम के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो डॉक्चन कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन बस ये एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन यह सुनते ही सोली को पता चलता है कि डॉक्चन झूठ बोल रहा है, उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। फिर सोली उसे रीड करती है और वो डॉक्चन को उसमें से कंपनसेशन मनी को हटाने के लिए कह देती है और कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो डॉक्चन कहता है लेकिन तुम इसे रख सकती हो। तो सोली कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और जब किम को इसके बारे में पता चलेगा तो वो मेरे बारे में गलत समझेगा। फिर सोली उसे पूछती है कि किम कहाँ पर रह रहा है, क्या वो पहले वाले अपार्टमेंट में वापस आएगा। तो डॉक्चन कहता है कि नहीं, और उसे बताता है कि किम जल्दी ही जर्मनी जाने वाला है। लेकिन ये सुनते ही सोली को पता चलता है कि डॉक्चन उसे झूठ बोल रहा है, और फिर सोली वहाँ से चली जाती है। फिर हम डॉक्चन को देखते हैं जो कि किम से मिलने के लिए जाता है, और उसे पता नहीं होता है कि किम वापस अपने अपार्टमेंट में आ चुका है। तो इस बात को लेकर किम के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। तो किम कहता है कि अब क्या अपने घर पर वापस आने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी, और वैसे भी मुझे और सयोन को लेकर जितने भी र्यूमर्स फैले हुए थे वह सब कुछ सही हो गया, और अब मेरे घर के बाहर कोई भी रिपोर्टर भी नहीं है, तब यहाँ पर रहने में क्या परेशानी है। तो डॉक्चन उसे बताता है कि तुम्हें ढूंढते हुए चोई हो मेरे पास आया था, और ये सुनकर किम चौंक जाता है। तो किम उसे कहता है कि तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो डॉक्चन कहता है कि तुमने बड़ी मुश्किल से नॉर्मल लाइफ जीनी स्टार्ट की थी, तो मैं सब कुछ ख़राब नहीं करना चाहता था। और वो किम को कहता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए जर्मनी चले जाना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी मॉम की इलेक्शन पास आ रही है। लेकिन किम मना कर देता है और वो कहता है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, और अब मैं चोई होम को फेस करना चाहता हूँ, ना कि अपनी प्रॉब्लम से भागना चाहता हूँ। इसलिए अगर तुम्हारे पास चोई होम आता है तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे हैंडल करने के लिए रेडी हूँ। तो डॉक्टर उसे कहता है लगता है तुम अपने होश में नहीं हो, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर किम चोई होम के बारे में सोचने लगता है, तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोई होम ने किम को पकड़ा हुआ होता है और उसे कह रहा होता है कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया, और उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर किम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चोई होम पीछे से उसकी पीठ पर चाकू मार देता है, और ये याद करने के बाद किम बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम किम के मॉम को देखते हैं, जैसे कि ऑफिस में एक नोट मिलता है और किम ने उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये देखकर किम के मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो किम से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर किम नहीं होता, क्योंकि ये नोट किम ने नहीं बल्कि चोई होम ने उसके मॉम के लिए लिखा होता है, ताकि किम के मॉम का रिएक्शन देखकर चोई होम श्योर हो जाए कि किम दोहाई किम स्योंग जी है। और अब चोई होम बिल्कुल श्योर होता है कि किम दोहाई किम स्योंग जी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ली कैंग और सोली को देखते हैं जो कि डिनर के लिए आई हुई होते हैं।
तो सोली उसे पूछती है कि तुम कितने टाइम से बीमार हो। तो लीगन कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तो सोली कहती है तो मुझे सब कुछ पता है कि तुम हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए नहीं बल्कि अपने चेकअप के लिए गए थे। तो लीगन उसे बताता है कि उसे थर्ड स्टेज स्टमक कैंसर था लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। तो सोली उसे कहती है कि क्या जब तुम्हें इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला था उस टाइम हम रिलेशनशिप में थे। तो लीगन कहता है कि हाँ। और यह सुनकर सोली रोने लग जाती है और वो कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो लीगन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। और देखो अभी भी तुम कैसे रो रही हो जबकि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैं उस टाइम तुम्हें बताता फिर तो पता नहीं तुम्हारी क्या कंडीशन होती। तो सोली उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो लीगन कहता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो मैंने तुम्हें नहीं बताया तो तुम्हें कैसे पता चलता। फिर वो दोनों बाहर आकर बात करते हैं। तो लीगन उसे कहता है कि जाते टाइम तुमने मुझसे कहा था कि तुम झूठ पकड़ सकती हो उसका क्या मतलब था। तो सोली उसे बताती है कि हाँ मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं दूसरों के झूठ को पकड़ सकती हूँ और उस टाइम भी यही हुआ था मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो तो इसी वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। तो लीगन कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है क्योंकि तुम्हें यह तो पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है यह तो तुम्हें नहीं पता ना। और ये सुनते ही सोली किम दोहा के बारे में सोचने लगती है। तो लीगन उसे कहता है कि अब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुकी है तो क्या हम फिर से स्टार्ट ओवर नहीं कर सकते मैं फिर से पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन सोली कहती है कि ऐसी सिचुएशन में मेरे दिमाग में कोई और आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्या मैं पागल हो चुकी हूँ। लीगन समझ जाता है कि वो किम दोहा की बात कर रहा है। तो वो सोली को कहता है कि तुम पागल नहीं हो बल्कि तुम उसे पसंद करती हो क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर सोली चुप हो जाती है। फिर लीगन सोली को घर छोड़ता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर दो और अगर बाई चांस उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो मेरे पास आ जाना मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और यह सुनकर सोली स्माइल करती है और वो घर चली जाती है। फिर सोली अपने अपार्टमेंट जाती है और वो देखती है कि किम अभी भी वहाँ पर नहीं होता और वो लीगन की कही हुई बात याद करने लगती है कि वो दूसरों का झूठ तो पकड़ सकती है लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है वो तो उसे नहीं पता ना। और ये सोचने के बाद वो किम से मिलने के लिए चली जाती है और वो किम को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग के सामने हूँ मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और तभी किम के पास एक गार्ड आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो चोई होम होता है और वो सोली को कहता है कि तुम किसे मिलना चाहती हो। और उसके बाद सुनकर किम पहचान जाता है कि वो तो चोई होम है। और तभी वहाँ पर दूसरा गार्ड आ जाता है और वो चोई होम को कहता है कि पहले तो तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा। तो चोई होम कहता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ। और ये सुनते ही सोली को पता चल जाता है कि वो आदमी झूठ कह रहा है। फिर किम सोली को कहता है कि वो आदमी मुझे मारना चाहता है तुम अभी वापस चली जाओ। किम की बात सुनकर सोली अपनी गाड़ी बैक कर लेती है। वहीं हम किम को देखते हैं जो कि सोली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि वो ठीक तो होंगी ना क्योंकि किम को याद आ जाता है कि 5 साल पहले चोई होम ने उस बस में सोली को भी देखा था और सोली ने खुद को किम की गर्लफ्रेंड बताया था तो चोई होम सोली को भी नुकसान पहुँचा सकता है। किम सोली को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सोली का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। फिर किम वहाँ पर चोई होम को देखता है लेकिन उसे लगता है कि वो कोई गार्ड है और उसे आवाज़ लगाने ही लगता है लेकिन तभी सोली किम को अपनी तरफ खींच लेती है और उसे साइड में लेकर छुप जाती है। लेकिन तभी चोई होम उनकी तरफ आने लगता है जिसे देखकर सोली और किम दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं और किम सोली को काम रखने की कोशिश करता है। वहीं चोई होम उन तक पहुंचने ही वाला होता है और वो अपना चाकू भी निकाल लेता है लेकिन तभी वहां पर कोई दूसरा गार्ड आ जाता है और वो चोई होम को कहता है कि अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। फिर चोई होम वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद सोली और किम की जान में जान आती है। तो किम उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहां से चली जाओ ये आदमी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो सोली कहती है कि ये आदमी डेंजरस है तो मैं उसके साथ तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी। फिर किम सोली को कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। तो सोली कहती है लेकिन अब मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है अगर तुमने कहा है कि तुमने उस लड़की को नहीं मारा है तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुमने उसे नहीं मारा है। और ये सुनकर किम चुप ही रह जाता है और फिर सोली को प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर बाय बाय।